नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। 10 जून शनि जयंती के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि शनि देवता जो प्रागट्य उत्सव है यानी कि शनि जयंती। शनि जयंती में आपको एक चीज जरूर खा लेना है, बस एक चीज हम जो बताने जा रहे हैं उसको यदि आप खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा, जमकर पैसा बरसेगा, आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि जब शनिदेव देते हैं तो वह छप्पड़ फाड़ के देते हैं। शनि जयंती का महापर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जा रही है, यानी कि 10 जून 2021 दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान शनिदेव जो कि सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं और नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य पुत्र शनिदेव का प्रागट्य ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगर आप शनि जयंती के दिन हम जो वस्तु बताने जा रहे हैं उसको खा लेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव के भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी तथा आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। शनि जयंती का बड़ा ही दुर्लभ पर्व है और कलयुग में सबसे शक्तिशाली ग्रह यदि कोई है तो वो है शनिदेव। और शनिदेव जब कृपा बरसाते हैं तो मनुष्य को मालामाल कर देते हैं, यानी गरीब को धनवान बना देते हैं। शनिदेव की दुर्लभ कृपा और अपार आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको करना यह है कि शनि जयंती के दिन यानी कि 10 जून 2021 गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए तथा इस दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनको काले तिल और सरसों के तेल आप चढ़ाएं। यदि आप नहीं जा सकते तो अपने घर की पश्चिम दिशा में ही एक प्रतिमा शनिदेव की रख लें या मन में ही स्मरण करके आपको काले तिल और तेल उनको समर्पित करना है। क्योंकि पश्चिम दिशा में शनि की दिशा मानी गई है और पश्चिम दिशा में ही उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें और शनि जयंती के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में काले तिल से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण यानी बना लेना है, निर्माण करना चाहिए, यानी काले तिल के लड्डू और गुड़। जी हाँ दोस्तों, काले तिल और लड्डू आप बना करके यानी गुड़ और काले तिल के लड्डू आप इस दिन बना करके खा सकते हैं। इसको खा लेने से शनिदेव की कृपा पूरे साल जमकर बरसेगी और जमकर पैसा आएगा। इसके अलावा आप उड़द की दाल की जो भी मिठाई बनती है, जैसे कि उड़द की दाल से यानी कि जो मिठाई बनती है और दही बड़ा बनता है, इसको भी आप खा लें तो पूरे साल जमकर पैसा बरसेगा। इसके अलावा उड़द की दाल से खिचड़ी भी बनती है, इसे भी इस दिन खाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप शनि जयंती के दिन खिचड़ी खा लें उड़द की बनी हुई तो सोने पे सुहागा। और भी अन्य जो वस्तुएं उड़द की दाल से निर्मित होती है उनको भी आप यानी शनि जयंती के दिन खा सकते हैं। इसके अलावा काले रंग के जो गुलाब जामुन होते हैं उनको भी आप शनि जयंती के दिन खा सकते हैं। इसको खा लें तो सोने पे सुहागा, शनि देव पूरे साल जमकर बरसाते हैं पैसा। इसके अलावा काले अंगूर जो होते हैं उनको भी आप शनि जयंती के दिन खा सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से हम शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार यदि सरसों को तेल का हम भोजन के रूप में उपयोग करें शनि जयंती के दिन यानी कि खाने के रूप में उपयोग करेंगे तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को शनिदेव की आराधना तथा उपासना करना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता शनिदेव हैं और शनिदेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो दोस्तों, 10 जून 2021 को इस बार शनि जयंती मनाई जा रही है और आपको शनि जयंती के दिन यानी कि इन चीजों में से कोई भी एक चीज खा लेना है, चाहे गुड़ और तिल के बने लड्डू खा लें या फिर उड़द की बनी हुई वस्तुएं खा लें या फिर खिचड़ी खा लें या फिर काले अंगूर खा लें, यानी जो चीज हमने बताई है इनमें से एक भी चीज खा लें शनि जयंती के दिन तो पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी मिल जाए समय पर पहले। और दोस्तों बता दें कि एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।